नमस्कार, वेलकम टू स्टडीज ऑफ लाइन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम 17 जनवरी से शुरू होनी है, और दोस्तों आरपीएफ ने खुद ऑफिशियल नोटिस में कहा था कि एग्जाम शुरू होने से 10 दिन पहले सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से सीधी सी बात यह हुई कि 17 जनवरी से 10 दिन पहले करें तो 7 जनवरी को आपके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों 7 जनवरी को भी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए, और कल 8 जनवरी को भी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए, और आज 9 जनवरी को भी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिन में आज कमेंट आए कि सर अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए। कोई पूछ रहा है ग्रुप ए के एडमिट कार्ड कब आएंगे, कोई पूछ रहा है ग्रुप बी के एडमिट कार्ड कब आएंगे, कोई पूछ रहा है एफ के कब आएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आपकी एग्जाम 17 से शुरू होनी है, और इस हिसाब से 7 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे, आपके एडमिट कार्ड 3 दिन लेट है। लेकिन दोस्तों, आप अभी सिर्फ ये सोचें कि आपकी एग्जाम रद्द होगी। काफी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जा रहा, इसका मतलब एग्जाम को आगे बढ़ाया जाएगा, एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा, ऐसा ही कि एग्जाम की तरह। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी यही सोच लेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसका मतलब आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों हो सकता है देखिए आपके एग्जाम आगे बढ़ जाए, कुछ संभावनाएं तो नजर आ रही हैं, लेकिन बहुत कम संभावनाएं हैं। आपके एडमिट कार्ड आगे अब तक 3 दिन हो गए नहीं आए, इसका कोई टेक्निक इश्यू के कारण भी ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कोई और वजह भी आरपीएफ के सामने रही हो। अगर एडमिट कार्ड 3 दिन लेट है तो इसका सीधा मतलब यही नहीं होता कि आपके एग्जाम को आगे बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों फिलहाल आप तैयारी करते ही रहें। देखिए दोस्तों, ए बी और एफ इन तीनों के एडमिट कार्ड तो अब कभी भी आ सकते हैं, और मैं कहेंगी किसी भी पल आ सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, हम आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाएंगे खबर। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप सी और डी की बात करें तो इनके एडमिट कार्ड है वो 2 फरवरी से 10 दिन पहले आप लगा लीजिए, लगभग दोस्तों 21, 22 या 23 जनवरी के आसपास आने वाले हैं। तो दोस्तों ग्रुप सी और डी की तो भी बात आती नहीं है, बल्कि ग्रुप ए बी और एफ इनके एडमिट कार्ड भी दोस्तों उम्मीद है कि जल्द ही आ सकते हैं, आज या फिर कल तक आपके एडमिट कार्ड आने की उम्मीद नजर आ रही है। और दोस्तों अगर इससे संबंधित आगे कोई भी खबर आई तो हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन फिलहाल आप उन अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें जिनमें बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं आया, इसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम को आगे बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों अगर आप उनके ऊपर ध्यान देंगे तो सीधा सा आपको एक ही नुकसान होगा कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, और जो विद्यार्थी अफवाह फैला रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बिना अपनी स्टडी को रोके आप लगातार यहां पर हमारे साथ बने रहें, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हम आगे भी सबसे पहले उपलब्ध करवाते रहेंगे। काफी सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आ रहे थे, और बहुत सारे विद्यार्थी परेशान भी हो रहे थे कि आखिर बात क्या है, एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आए और कब आएंगे, इसलिए वीडियो बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ एक नीचे कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही आरपीएफ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।